जुलूस में आने वाले हैं उनको बता दें कि लाइसेंस लेना अनिवार्य है और लाइसेंस लेते समय वह 5 कार्यकर्ता या 10 कार्यकर्ता का फोटो आधार कार्ड लेके आए। एकदम प्रशासन भी एकदम कमर कस के तैयार है और जरा सा भी कोई गड़बड़ी की उचक्के तत्व के गए लोग तो वह बख्शे नहीं जाएंगे इस पर, और प्रशासन पूरे मुस्तैदी से तैयार है। आज बैठक किया गया थाना में और निर्देश दिया गया कि जो SOP है उसका 100% पालन किया जाए ताकि विधि व्यवस्था बहाल रहे। उपद्रवियों इस बार हो जाए सावधान, क्योंकि प्रशासन की है इस बार सभी जगह पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं MK न्यूज गोंदिया और मैं हूँ आपके साथ इमरान खान। जैसा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुहर्रम को लेकर के जगह जगह जुलूस निकाली जाएगी, मेला का आयोजन किया जाएगा, इसी को लेकर के आज थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई है। आइए दिखाते हैं आपको और बताते हैं प्रशासन किस तरह से पैनी नजर रखेगी, क्या क्या निर्देश दिया गया है, यह आपको दिखाते हैं। छातापुर थाना परिसर में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता त्रिवेणीगंज SDPO विपिन कुमार ने की। बैठक में थाना क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं प्रबुद्ध लोग शामिल हुए। बैठक में SDPO विपिन कुमार ने मुहर्रम पर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की, साथ ही सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए मुहर्रम मनाने को कहा गया। मेला और जुलूस के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। कहा कि जुलूस को लेकर किसी भी शर्त पर रूट चार्ट चेंज नहीं होगा, पुराना लाइसेंस के मुताबिक ही रूट चार्ट रहेगा। लाउडस्पीकर के लिए लाइसेंस लेना होगा। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार आदमी को माइक देने की बात कही। कहा कि तलवार और लाठी कम से कम संख्या में इस्तेमाल करें। जुलूस में जहां ज़्यादा भीड़ हो वहां प्रयास किया जाए कि ड्रोन कैमरा उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि हुड़दंगियों और असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर प्रशासन को तुरंत सूचित करें। देखिए, सबसे पहले मैं जितने भी मुहर्रम के जुलूस में आने वाले हैं उनको बता दें कि लाइसेंस लेना अनिवार्य है और लाइसेंस लेते समय वह 5 कार्यकर्ता या 10 कार्यकर्ता का फोटो आधार कार्ड लेके आए। और ये इसमें निर्देश दिया गया है कि जैसे पुराने रूट हैं उस रूट से कतई भी कोई बदलाव नहीं होगा, और जैसे पुराने रूट से जुलूस निकला करते थे उसी रूट से निकलेंगे, यही निर्देश दिया गया है। और बिल्कुल शांति व्यवस्था में जुलूस चलेगी और इस जुलूस में ड्रोन कैमरा का भी निगरानी, ड्रोन कैमरा से भी निगरानी किया जाएगा। और करबला मैदान छातापुर पे जहां मेला लगते हैं, क्योंकि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी झूला वगैरह जो भी हो खेल तमाशा का वहां प्रोग्राम किया जाता है, तो उस मेला ग्राउंड में भी लगभग हर कोने कोने में CCTV कैमरा का लगाया गया है, जो CCTV कैमरा के निगरानी में मेला रहेगा। तो शांतिपूर्ण व्यवस्था के लिए आप पूरे तैयार हैं? एकदम प्रशासन भी एकदम कमर कस के तैयार है और जरा सा भी कोई गड़बड़ी की उचक्के तत्व के गए लोग तो वह बख्शे नहीं जाएंगे इस पर, और प्रशासन पूरे मुस्तैदी से तैयार है। और प्रशासन इस समाज के लोग से भी फीडबैक ले रहे हैं कि अगर कोई गड़बड़ व्यक्ति गड़बड़ करने वाले हैं तो वह बख्शे नहीं जाएंगे, उस पर निगरानी रहेगी। आज बैठक किया गया थाना में और निर्देश दिया गया कि जो SOP है उसका 100% पालन किया जाए ताकि विधि व्यवस्था बहाल रहे। क्या कुछ निर्देश दिया गया? निर्देश दिया गया जैसे DJ के बारे में कि जुलूस है तो उसमें DJ का प्रयोग नहीं किया जाए, शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस निकाला जाए, मेला ग्राउंड में जैसे है कि CCTV कैमरा वगैरह लगाया जाए, ये सब के संबंध में। लाइसेंस को लेकर के क्या क्या प्रक्रिया दी? लाइसेंस 18 या 20 जगह पर बताया गया, तो लाइसेंस के लिए है कि उनका आधार कार्ड होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, लाइसेंसधारी का पूरा पता होना चाहिए ताकि कोई तरह की समस्या हो तो खेल पे ये हो सके। तो जैसा कि आपने सुना, मेला कमेटी के जो सदस्य हैं छातापुर के और वर्तमान मुखियापति हैं मकसूद मसन, उन्होंने भी साफ तौर पे कह दिया है कि मेला को लेकर के CCTV कैमरा और ड्रोन कैमरा से निगरानी की जाएगी। और रही रूट चार्ट की, तो रूट चार्ट जो पहले था वही है। और यहाँ जो CO साहब हैं उन्होंने भी बता दिया है कि किस तरह से मेला को लेकर के रूट चार्ट तैयार किया गया है, मेला को लेकर के क्या क्या यहाँ पर परमिशन लेने के लिए क्या क्या क्रिटिकलिया फील करना पड़ेगा, इन सभी बातों पर चर्चा की गई है। खबर में इतना ही, बने रहें MK न्यूज इंडिया के साथ। इमरान खान, ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार। साई हॉस्पिटल।
हर महीने की 1 तारीख से 5 तारीख तक दिल्ली के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों के द्वारा सभी प्रकार के छोटे एवं बड़े ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा किए जाते हैं। पहले नंबर लगाने पर ऑपरेशन फी में विशेष छूट भी दी जाएगी। पता नोट कीजिए, साईं हॉस्पिटल चुन्नी मोड़ छातापुर सुपौल, मोबाइल नंबर 7061509641।